नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ राज। आपको बताने वाले हैं कि आपको पता है कि पीएम किसान यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है केवाईसी होना शुरू हो चुका था, जहाँ पे कि बहुत लोगों ने करवा लिया केवाईसी, लेकिन अभी जो है बहुत सारे लोग जो है बचे हुए हैं और अभी जो है सीएससी के माध्यम से जो है होना बंद हो चुका है। तो किस माध्यम से करेंगे और कैसे करेंगे, हम आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ बतलाने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे और इस बात की गारंटी देते हैं कि आप जो है केवाईसी कर पाइएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। चलिए चलते हैं, बिना कोई देरी चलते हैं सीधा गूगल पर आते हैं, अपने क्रोम पर या फिर कहीं भी आइए, लिखिए यहाँ पे सरकारी इन्फॉर्मेशन.com, ये मेरा खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं बॉक्स बना हुआ एक, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे पीएम किसान ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म फॉर सीएससी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, हम आपको बिना सीएससी के बताने जा रहे हैं कि बिना सीएससी आईडी के, यानी कि अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो आप अपने खुद से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारी दिया गया है। आप इसको पढ़ लेंगे, नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे आने के बाद आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आपको जो जैसे पढ़ना है पढ़ लीजिए, अदरवाइज नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको देखिए देखने को मिल जाता है सम इम्पोर्टेंट यूजफुल लिंक, यहाँ पे दिया है रजिस्टर किसान ई के वाई सी, यहाँ पे दिया हुआ ई के वाई सी था सी एस सी बायोमेट्रिक। अब देखिए अगर आपके पास सी एस सी तो आप इसके इस लिंक से कर सकते हैं, अगर आपके पास सी एस सी नहीं है तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि पता ही है कि आपको सी एस सी के माध्यम से भी बंद हो चुका है के वाई सी, तो नॉर्मली आपको इस माध्यम से करना है। नॉर्मली क्या करना है, इस ऊपर वाले लिंक पर, हालांकि इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सीधा वहाँ से जाके खुद से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से करने के लिए आपके पास एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल, कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, वो पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक OTP जाता है, वन टाइम पासवर्ड जाता है। याद रहे, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही अनिवार्य, तभी आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें एक एरर आता है, मैं वो भी दिखला दूंगा आपको कि जो है जब आप OTP डालिएगा तो बताया जाता है कि एरर आ रहा है किसी टाइप का। देखिए मैं इसका भी एक टाइमिंग है जहाँ से आप कर सकते हैं। इसका टाइमिंग क्या है कि अपना दिन में अगर ट्राई करते हैं तो नहीं होगा, आप इसको रात में 10 बजे के बाद ट्राई करें तो काफ़ी अच्छा है, इस बात की गारंटी लेते हैं कि हो जाएगा। चलिए बिना कोई देरी के आपको आगे की प्रक्रिया कर बतलाते हैं। यहाँ पे जो है आपको अपना जो है आधार नंबर डाल देना है, जो कि आपका है। आधार नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आपका आधार से नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो डालना है। चलिए क्या करते हैं, उस पर डाल देते हैं और उसके बाद आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि EKYC जो है आज भी सेंट योर, मतलब कि मोबाइल नंबर पर इसका डेट डाला गया है। OTP जो है वो डाल के आप सबमिट करें, गेट OTP पे जब क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद नॉर्मली जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा कुछ इस तरह का, और हम डाल के सबमिट जैसे करते हैं, देखिए आप लिखा रहा है EKYC सक्सेसफुली सबमिटेड, कुछ इस तरह का जो है आप सबमिट कर देंगे और आपका ये सबमिट हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। लेकिन ये रात के समय में ट्राई करें, दिन में ना करें। अब आपको दिखा दूं मैं, एक ये ऐसा एरर आता है, ये आने का एरर का कारण है कि आप दिन में ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा एरर आएगा ही आएगा। आप सब कुछ सही डालते हैं लेकिन यहाँ पर बताया जाता है सम एरर बताया जाता है, लेकिन इसका कारण है कि आप दिन में कर रहे हैं तो इसी कारण, आप हर टाइम नहीं कर सकते, इसका भी एक कारण है, तो रात में ट्राई करें।